नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हर हाल में 20 जनवरी तक छूटे हुए लोग अवश्य रूप से कोविड वैक्सीनेशन ले। उक्त बातें जमुआ BDO अशोक कुमार ने गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित मुखिया एवं अन्य कर्मियों से कही। BDO अशोक कुमार ने बैठक में सर्वप्रथम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सफल संचालन को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों को धन्यवाद दिया। BDO ने कहा कि जमुआ प्रखंड में 1,99,000 टीकाकरण का लक्ष्य है, जिसमें 1,24,000 ग्रामीणों का टीकाकरण अब तक पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 20,000 के करीब प्रवासी रोजगार के लिए पलायन कर गए हैं। कहा कि ऐसे में लगभग 50,000 का लक्ष्य हम सभी के बीच है, जिसे युद्ध स्तर पर प्रतिदिन 2,500 ग्रामीणों का टीकाकरण करते हुए शेष 50,000 ग्रामीणों का टीकाकरण आगामी 20 जनवरी तक पूर्ण कर लेना है। जो प्रथम डोज लेने से छूट गए हैं, वंचित हैं, उनको 100% करवाने के लिए इनकी एक बैठक आहूत की गई है। और हम उम्मीद करते हैं, सभी मुखिया जी लोगों ने भी यह प्रोमिस किया है अभी, कि हम लोग सभी विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके, चाहे वह हमारा सेविका हो, सहिया हो, BTT हो, सहिया साथी हो, JSLPS का दीदी हो, एवं हमारा हेल्थ विभाग हो, सभी के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हम लोग प्रत्येक दिन एक दिन का टारगेट 2500 वैक्सीनेशन कराने का है। और इस तरह 20 जनवरी तक हम लोग वैक्सीनेट कराएंगे। इसमें मुखिया जी के नेतृत्व में हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करके इस लक्ष्य को हासिल करने का 100% प्रयास हम करेंगे।